डेली के साथ कमर जुमान भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारे साथ पाकिस्तान के बल्कि इंटरनेशनल प्लेयर ओलंपियन अख्तर रसूल साहब जो चैंपियन टीम के कप्तान रहे वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी अख्तर रसूल साहब आपने टाइम दिया। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद ईद की और सारी खुशियों की। अब आपका एक पॉलिटिकल रोल है, आप हॉकी के प्लेयर तो हैं, आपके हल्के में इलेक्शन हो रहा है, क्या देख रहे हैं आप? देखिए ये लाहौर शहर जो है ना जी, ये हमेशा से नवाज शरीफ का किला और गढ़ मुस्लिम लीग का गढ़ रहा है और ये जो हल्का जिसमें इलेक्शन हो रहा है, इस हल्के से मैंने खुद इलेक्शन लड़े हैं जिसमें दो यूसी आती हैं 198-199 और हमेशा मैं इस यूसी से दोनों यूसियों से फतह याब हूँ। बेसिकली ये मुस्लिम लीग का एक मजबूत हल्का है और जहाँ तक इस इलेक्शन का तल्लक है, 3.5 साल लोगों ने देख लिया इमरान खान को और जिस तरह 3.5 साल बेजारी रही है लोगों को और उनकी उम्मीदों के ऊपर एक उम्मीद लेकर लोग रखी थी उन्होंने, तो वो उम्मीद के ऊपर पूरा नहीं उतरा और जितनी मेहनत अच्छा हमारी हुकूमत इमरान खान साहब उम्मीदों पर पूरा नहीं होता, लेकिन आप जैसे आप ही कप्तान रहे हैं, ओलंपियन रहे हैं, वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं, इमरान खान साहब भी कप्तान, वो एक मरतबा का वर्ल्ड चैंपियन है, तो फ़र्क आप एमपीए तो बनते रहे, वजीर भी शायद बनते रहे, वो प्राइम मिनिस्टर तक गए, ये दो कप्तानों में इतना फ़र्क? उसने तो एक वर्ल्ड कप जीता हुआ है, मैंने 3 वर्ल्ड कप जीते हुए, मैंने कहा 3 आप ज़्यादा, और हम पहले दिन से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को अपना कप्तान बना चुके और हम अपने कप्तान के पीछे हैं, खुद कप्तान बनने की कोशिश नहीं की। जब कप्तान अच्छा परफॉर्म कर रहा हो तो फिर उसे कंटिन्यू, टीम का असूल है कि उसे कंटिन्यू करते हैं, तो लिहाजा हमारा कप्तान अल्लाह की मेहरबानी से अब मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज साहब, ये बहुत मुस्लिम लीग के लिए काम कर रहे हैं, सरदार रियाज साहब उसमें बहुत एक्टिव हैं, साद रफीक साहब बहुत एक्टिव हैं, जो एक्टिविस्ट लोग हैं मुझे पसंद हैं और जब टीम ठीक काम कर रही है तो हम भी पार्ट हैं उसके, हम भी हिस्सेदार हैं। तो प्लेयर कभी आपको इंस्पिरेशन नहीं मिली इमरान खान से कि वो उनके साथ जुड़ें? यार इमरान खान ने तो वो पाकिस्तान के अंदर जो डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स थी वो सारी बंद कर दी बतौर